मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहती। आपको कभी धोखा नहीं दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत सच्ची हूँ। कोई दोस्त कोई रिश्ता नहीं होता, दुश्मन होते हैं। खुदसर ड्रामे में अब शाजमा से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जिशान और सोनिया के दरमियान में कुछ दोस्ती है, इसलिए अब जिशान पर शक करना शुरू कर देगी। सोनिया को बातें सुनाएगी सिर्फ यहाँ तक नहीं, क्योंकि उसका तो काम ही जलना है, हर किसी से हसद करती है। हसद की आग में इस कदर जल चुकी है कि सबकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो उसका झूठ सबके सामने आ ही जाएगा। अब जिन लोगों को उसने शीशे में उतार रखा है वो खुद उसकी कानों से बातें सुनेंगे, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। शाजमा अपनी रोनी सूरत से सबको इम्प्रेस कर लेती है, लेकिन अब हरीम भी फैसला कर चुकी है कि शाजमा के खिलाफ सबूत ढूंढ कर ही रहेगी, जबकि अमरीन उसका पूरा पूरा साथ देगी और बहुत जल्द वो हरीम के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लेंगी। लेकिन तब तक हरीम अपने मुंह से खुद ही बक देगी कि वो किस तरह सबकी ज़िंदगियों को अजाब करती आई है। अब जबकि रिदा का शोहर जितना लालची है, लालच में आकर वो रिदा को डिवोर्स दे देगा और रिदा फिर से दायम से शादी कर लेगी। दायम को अपने किए पर अफसोस होगा, क्यों उसने अपने घर वालों की बातों पर यकीन करके रिदा की खबर नहीं ली। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मिलाजमी आगा कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।